नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल का वीकेंड का वार था निहायत ही पथेटिक, बकवास और बायस्ड, और आज का वीकेंड का वार था एकदम पकाऊ। पूरा आधा घंटा एग्जैक्टली 30 मिनट केदारनाथ की टीम इस एपिसोड में रही थी और अपने वाह यार बकवास। ये कितनी बार हमने ये जो फन एक्टिविटी वो कानों में भौंपू लगा, कितनी ओवर एक्टिंग दिख रही थी ना सलमान खान की, कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग लग रही थी। कान बंद करके सो जाओ, अरे कितना पकाया गया यहाँ पर समझ में नहीं आता। सलमान खान क्या एक्टिंग करते हैं ना, हर वीकेंड पर आते हैं, स्पेशली उस वीकेंड में जिस वीकेंड में इविक्शन होना नहीं है, उसी दिन आकर बोलते हैं आज होगा कुछ जबरदस्त वाला इविक्शन, कोई दो लोगों का सफर हो जाएगा आज खत्म। सबको पता था इविक्शन होना ही नहीं है। इस एपिसोड को रोमिल चौधरी शायद भूल जाना चाहेगा। इस एपिसोड में काफी बातें रोमिल चौधरी के अगेंस्ट गई हैं, हरियाणा के छोरे के अगेंस्ट गई हैं, जो शायद वो सिरे से इग्नोर कर देना चाहेगा। सैफ अली खान की जो डॉटर है, क्या नाम है, सारा खान, आवाज तो वो एकदम जबरदस्त है, आवाज में सुरभि राणा को बराबर मैच करती है, लेकिन निहायत खूबसूरत लग रही थी, यंग अमृता सिंह लग रही थी वो। जब रोमिल चौधरी को उस व्हील पर टांगा गया था, रोमिल को चश्मा देने गई थी, तो रोमिल क्या बोला था, मैडम जी मेरी आंखें हैं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी आगे फूटेंगी मेरी आंखें। एंड सारा का रिएक्शन देखा था, हद है यार, रोमिल थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, वो बदतमीजी वाली एक लाइन पर आ जाता है। ऐसे ही एक बार वो गार्नियर मेंस फ्रेश टास्क हुई थी जहां दीपक ने चीटिंग करके उसको जिताया था, वहां पर भी इसने आर्म गार्ड, लेग गार्ड, नी गार्ड ये वगैरह नहीं पहन रहा था, बोला मैं तो कर लूंगा। मतलब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना कई बार आपको ले डूबता है, जैसे कि इस एपिसोड में रोमिल चौधरी को वो ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा जब वो सुल्तानी अखाड़े में रोहित से हार गया। हालांकि वहां मुझे लगा है कि सलमान खान का जो निर्णय था वो काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जब रोहित नीचे गिरा था तो रोहित ने रोमिल के पैर नीचे पकड़ रखे थे, तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 2-2 से मामला इक्वल था, एक राउंड और दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पर रोहित को जबरदस्ती में जिता दिया गया है, ऐसा मुझे लगा है। अगर आपको भी ऐसा लगा हो तो बताइएगा जरूर, लेकिन हाँ एक बात तो पक्की है कि ये एपिसोड रोमिल चौधरी कभी भी याद नहीं रखना चाहेगा। दीपक ने जो अपनी भड़ास निकाली, सुरभि ने अपनी भड़ास निकाली और जो फ्यूम फेंक फेंक के बलून्स मारे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो कचरा क्लब अब जो कोबरा फैमिली के मेंबर्स बन चुके, उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे। तो इस एपिसोड में देखा जाए तो बेसिकली कुछ हुआ नहीं है, कुछ कंटेंट निकल कर आया नहीं है, टाइम पास ही चला है। रोहित, रोमिल और दीपक की थोड़ी सी तनातनी देखने को मिली, जहां हमने देखा कि रोहित और करणवीर आग में घी डाल रहे थे, हम स्वाहा, तुम लड़ो तुम झगड़ो स्वाहा। सुल्तानी अखाड़े में वर्बल राउंड में रोमिल के आगे रोहित की एकदम बोलती बंद हो चुकी थी, उसको वैसे भी अपने दिमाग से चलता तो है नहीं, चच्ची के दिमाग से चलता है। अच्छा, यहाँ पर बात ही बात में सलमान खान ने वो जो कल नींबू सुई और वो टोने टोटके वाला जो इंसिडेंट था उसका यहाँ जिक्र किया था। इस घर में, बिग बॉस 12 के घर में एक बहुत ही महान व्यक्ति है जिसकी बड़ी बड़ी जुल्फे हैं, वो लड़कियों के अंडर गारमेंट्स भी पहनता है, और आज उसने अपने मुंह से बोला कि मैं बस सिंदूर नहीं लगाता हूँ, लगा ले सिंदूर और ऐसे ऐसे करना शुरू कर दे, उसमें देरी किस बात की, तुझे तो उसी लायक दिखता है वैसे, केवी द बोरा। आज जब सलमान खान ने वो जो नींबू वगैरह का जिक्र किया तो ये अपने गूज़बम्प्स देख रहा था केवी। हाँ, उसको आपने देखा, सिर्फ इतनी सी आपने देखा, सिर्फ उन बातों का जिक्र करके वो अपने रोंगटे देखने लगा, ओ हो फटके गले में आ गई, चार हो गई मेरी, मैं क्या करूं, लेकिन बताऊं कैसे, बहुत स्कैरी था, बहुत ये था, और मेघा ने ये सीक्रेट टास्क की थी और सलमान खान ने जैसा माहौल बना दिया था, घर वालों को बिलीव होने लगा था कि यार कुछ तो है, क्योंकि कैमरे भी वो चीज कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन हम सबने देखा कि वो मेघा को सीक्रेट टास्क दिया गया था, घर वालों को आइडिया नहीं है। श्रीशांत ने वो नींबू वगैरह उठा के फेंक दिए थे और जो डायलॉग दिया था ना कि मेरी जिंदगी में सब हो चुका है, बस एक मौत बाकी है, वो डायलॉग काफी ज्यादा दमदार था, उस डायलॉग ने बहुत ध्यान खींचा था। कल के एपिसोड में उनको जो इंजरी हुई तो कई मुझे कमेंट भी आए थे, यार किसी भाई कि यार दीपक भाई वो श्रीशांत ने नींबू उठा के फेंका था, शायद इसलिए उनको इंजरी हुई। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ यार, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा इन चीजों को तरफ ध्यान मत दीजिए, ये सब टोने टोट के इन सबसे कुछ नहीं होता, एक मन का वहम होता है, मन का भ्रम होता है, और इस भ्रम की वजह से वो तंत्र नाम का सीरियल चल जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इस टाइप की चीजों से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। यूट्यूब पर खुद देख लीजिए ना,
लाखों करोड़ों वीडियो, चौराहे पर नींबू काट के फेंक दो, रातों रात करोड़पति बन जाओ। क्या आपको लड़की नहीं मिल रही है? ओ नींबू काटो, लॉन्ग लगाओ, नाम लिख के चौराहे पे डाल दो, लड़की खींची चली आएगी। हाँ हाँ, मैंने बहुत ट्राई किया, कैटरीना कैफ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं मिली आज तक। मैंने बहुत ट्राई किया कि चौराहे पे जाके नींबू रख दूं, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाए, कुबेर का खजाना खुल जाए। आज तक वेट कर रहा हूँ यार, कुबेर का क्या, किसी बैंक ने दरवाजे नहीं खोले मेरे लिए आज तक। तो ये टोले टोट की सब बकवास चीजें होती, इन सब कुछ नहीं रखा। तो भैया ये एपिसोड खत्म हो गया, इविक्शन वगैरह कुछ हुआ नहीं। थोड़ी बहुत एपिसोड के टूवर्ड्स द एंड हमने देखा कि जब वो मैटर, कैरेक्टरलेस कैसेनोवा वाला जो मैटर है वो खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर दीपिका को क्या जरूरत थी सुरभि को सॉरी बोले जाके श्रीशांत? आई डोंट थिंक सो कि ये नेसेसरी था। कल पूरी इंडिया के सामने जब श्रीशांत ने चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया कि आई एक्सेप्टेड, मैंने ये बोला उसके लिए आई एम सेइंग सॉरी, तो यहां पर बाद में दीपिका को आधी रोटी पर दाल लेके जाने की जरूरत क्या है कि श्री आपको सॉरी बोलना चाहिए? क्यों बोले श्री भाई, क्यों बोले श्री उसको सॉरी? उस लड़की को किसी ने बोला कि तूने भी बहुत कुछ बोला है? वो तो मिडिल क्लास वाली है, विक्टिम कार्ड खेल रही है, मम्मा ये बच्चे में ये क्या है, व्हाट द हेल इज दैट। मैटर खत्म हो गया है, दीपिका का यहाँ ये जो बिहेवियर था मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो हालांकि श्री के अच्छे के लिए बोल रही है, लेकिन सुरभि जैसी लड़की को सॉरी बोलना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और ये आपने देख लिया प्रोमो में, केवी वगैरह सब इस बात का इश्यू बनाएंगे कि ये कौन से केवी को, तो मतलब क्या बोलू क्या बोलू, जितना बोलो ना उतना कम है। ये अव्वल नंबर का चूतिया है, अव्वल नंबर का चूतिया इंसान है ये। इविक्शन के टाइम पर भी सलमान खान ने जब ड्रामा बिल्टअप किया था कि इविक्शन की बारी आएगी, कौन जाएगा कौन जाएगा, कैसे बोल बैठा ये बड़ी बीच की मांग वाला, तेरे नाम की पायरेटेड कॉपी बना बैठा है। क्या बोल दिया सलमान भाई, कुछ शॉकिंग इविक्शन होगा, शॉकिंग इविक्शन घंटा। यहां पर सलमान भाई ने रोहित को एक आईना तो दिखा दिया, जब उसने थर्ड क्लास सवाल दिया उसको थर्ड क्लास जवाब दिया गया। तो ये एपिसोड, तो ये जो एपिसोड था खाना पूर्ति में चला गया, कॉलर आई थी उसने सोमी का थर्ड क्लास गेम एक्सपोज कर दिया। बंदी अब तक मानने को तैयार नहीं है कि मैं कमजोर हूं या ऐसी हूं, रोमिल की छत्रछाया में तुम डे वन से रही हो, या चाहे वो नॉमिनेशन टास्क रही हो, जब भी कैप्टनसी की दावेदारी में तुम आई तुम रोमिल की बदौलत आई हो, और तुम कह रही हो कि नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम वेरी स्ट्रांग, लिपस्टिक भी खुद लगाती हूँ, नहीं तो उसके लिए भी रोमिल आ जाए, बेबी प्लीज लाओ मैं लिपस्टिक लगा लूं। सोमी तो क्या बताया जाए यार, हवा का झोंका है, बहुत जल्दी निकल जाएगी। एनीवे ये पकाओ वीकेंड का वार हो गया खत्म, कल से मंडे है और इस वीक से थर्सडे को वीकेंड के बार की शूट हुआ करेगी, तो फ्राइडे सैटरडे संडे होगा वीकेंड का वार, क्योंकि आखिरी महीना बचा है। चैनल की टीआरपी की जो बची खुची नाव है सलमान खान उसको ऊपर लेके आएंगे जब वो फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड का वार किया करेंगे। इस पूरे मंथ में शायद यही होगा, मिड वीक इविक्शन होगा इस वीक, सबके गुर्दे उबलने लग गए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मामला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और रेस टू फिनाले बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। कल का जो प्रोमो है उसमें हमने देख भी रहे, काफी भगदड़ मच रही है, घर की चच्ची गिर चुकी है दरवाजे के बाहर, धक्का लगकर रोमिल का, और बस वाली टास्क होगी क्या होगा क्या नहीं होगा, मिडवीक इविक्शन किसका होगा, ये सब देखने लायक इंटरेस्टिंग होगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेघा यहाँ रोमिल के साथ स्ट्रेटजी भी बना रही थी और मेघा और रोमिल की बातों के हिसाब से तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि दीपक के लिए काफी खतरों के बादल मंडरा रहे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट बिहार का लाला हो सकता है उसके बिग बॉस के आगे वाले सफर पर लग जाए ताला। तो गाइस आप बताइएगा आपको ये पकाओ एपिसोड कैसा लगा, स्टार्ट का आधा घंटा तो टोटली वेस्ट टाइम पास था, कुछ नहीं था, आखिरी के आधे घंटे में इविक्शन की बातें भी हुई, सुल्तानी अखाड़ा भी हुआ और दुनिया भर का वो सब चलता रहा, तो दमदार बिल्कुल नहीं था ये वीकेंड का, एकदम थर्ड क्लास पैथेटिक था, बकवास था। बहुत सारे टॉपिक जो कि कवर किए जाने थे, मुझे पता चला कि सैटरडे के एपिसोड में कई सारे टॉपिक उठाए गए थे लेकिन दिखाए नहीं गए, लाइक दीपक की क्लास लेने वाला, मुझे पता चला कि दीपक की भी क्लास ली गई थी, जसलीन के ऊपर जो रिमार्क किया था उसने, मेल में है ना फीमेल में है, इसके ऊपर क्लास ली गई थी लेकिन दिखाया नहीं गया। सुरभि राणा को बहुत ज्यादा ग्रिल किया गया था, वो भी नहीं दिखाया गया, सिर्फ श्रीशांत के ऊपर ही कल के एपिसोड का पूरा फोकस था। तो बॉटम लाइन ये है कि सैटरडे के एपिसोड में बहुत सारी एडिटिंग की गई है, जब श्रीशांत वॉशरूम के अंदर थे रोमिल का उनको जाकर समझा के लाना, बहुत सारी बातें हैं जो कल के एपिसोड में नहीं दिखाई गई, ऑन एयर नहीं की गई। चैनल पता नहीं इस बार एडिटिंग टीम को, क्रिएटिव हेड्स को पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काट लिया, क्योंकि जिस तरह से वो ऑन एयर चीजें नहीं की गई जो कि ऑन एयर की जानी चाहिए थी, लाइक सुरभि की क्लास
दीपक को जो समझाया गया या दीपक से जो क्वेश्चन किए गए, ये तमाम चीजें चैनल छुपा क्यों रहा है? इससे तो एक ही बात क्लियर कट निकल कर आ रही है कि आप सुरभि की छवि या दीपक की छवि या यू नो कचरा क्लब या कोबरा फैमिली को एक तरह से यू नो उनकी गलतियों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। केवी ने जो ब्रा पहनकर यू नो गाड़ी चलाई थी वो तो ऑन एयर किया ही नहीं गया। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी जो इन लोगों की है कि कचरा क्लब की गंदगी कम से कम दिखाई जाए और हम इनको अच्छे तरीके से एक हीरो वाली इमेज में लेके जाएं आगे, लेकिन पब्लिक सब जान रही है, पब्लिक सब देख रही है, इनकी स्ट्रैटेजी खुद ही बैकफायर हो रही है धीरे धीरे। अपना करवा कलर चैनल को खुद ही मिल रहा है लो टीआरपी के रूप में। पब्लिक को सब दिखाई दे रहा है कि सीजन को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये चैनल वाले पता नहीं कौन सी घुट्टी पीकर बैठे हैं कि इनको लग रहा है कि कचरा कपके और कोबरा फैमिली की इमेज बहुत अच्छी जा रही है। वाह, अगर आप मुगलती की जिंदगी जी रहे हो, खायली पुलाव पका रहे हो, तो पकाओ खायली पुलाव, तुम ही खाओगे, बाद में तुम ही खा के ओकोगे, अरे है इतना दजमी हो गई। एनीवे, इसी नोट पर मैं ये वीडियो करता हूं खत्म। इस एपिसोड में ऐसा कुछ खास था नहीं जिसके ऊपर यू नो बात वगैरह की जाए। कल से होगा एक नए वीक का आगाज, ट्विस्ट वाला वीक होगा ये, जहां पर की मिडवीक इविक्शन होगा, डबल इविक्शन होगा और प्राइज मनी वापस से कैसे हथियाई जाए, ये सारी बातें भी होंगी। ग्रुप अलग अलग हो चुके हैं, अब आई थिंक यही ग्रुप रहने वाले हैं, कोबरा फैमिली वर्सेस द इंडिविजुअल क्लब, जहां कोई किसी का सगा नहीं है। दीपिका अब शायद अपना रियल खेल खेलना शुरू करेंगी, रोमिल पर्पजली चैनल के द्वारा श्रीशंत के साथ में लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो श्रीशंत के जितने भी फैंस हैं हो सकता है कि उनका सपोर्ट रोमिल की तरफ जाना शुरू होगा। तो रोमिल डेफिनेटली अगर पहले टॉप फाइव में नहीं डिजर्व करता होगा तो वो अब टॉप फाइव या टॉप थ्री में भी आना डिजर्व कर लेगा। केवी जो कई लोगों की लिस्ट में टॉप थ्री में चल रहा था, शायद वो टॉप फाइव की रेस से बाहर हो जाए। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बिहार का लाला इस वीक अपने गांव में जाकर देखे कि लाइट सुचारू चल रही है या नहीं चल रही है, ये सारी बातें हम देखेंगे इस वीक में। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए डीएसके टॉक्स को। ठीक है, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हाँ, आज का एपिसोड बहुत ज्यादा बकवास था, ये पिक्चर केदारनाथ ये भी बकवास ही होगी, देख लेना मैं पहले से बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच।